तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप दरोगा कैसे बन सकते हैं, आपको दरोगा बनने के लिए कितनी पढ़ाई करनी होगी, कौन कौन से एग्ज़ाम देने होंगे और क्या क्या मतलब हाइट वगैरह या फिर क्या चीज़ कितनी मांगी जाती है, जैसे कि चेस्ट, आपकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, आपकी आयु कितनी होनी चाहिए और आपको कौन कौन से पेपर देने होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई कितनी होनी चाहिए और कैसे आप दरोगा बन सकते हैं, यानी आपकी पढ़ाई से लेकर दरोगा बनने तक का पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, हम आपको इसमें पूरी जानकारी देंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए दोस्तों, दरोगा कैसे बने ये जानने से पहले हम दरोगा के बारे में जान लेते हैं कि दरोगा कौन होता है। देखिए, भारतीय पुलिस सर्विस में विभिन्न प्रकार की पोस्ट होती हैं, यानी देखा होगा आपने भारतीय पुलिस में जो है काफ़ी अन्य प्रकार की पोस्ट होती हैं, बहुत सारी पोस्ट होती हैं और उन्हीं में से एक पोस्ट होती है दरोगा की पोस्ट। आपको बता दें कि दरोगा को ही सब इंस्पेक्टर यानी कि SI कहा जाता है शॉर्टकट में, और फुल फॉर्म होती है सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर को हिंदी में दरोगा बोला जाता है। इसके अलावा इसे पुलिस उपनिरीक्षक भी कहते हैं। दरोगा किसी भी पुलिस थाने का एक अधिकारी होता है। पुलिस चौकी का सारा काम दरोगा के हाथ में होता है। जिस पुलिस चौकी में दरोगा पोस्टिड होता है, यानी जिस भी पुलिस चौकी में दरोगा की पोस्टिंग की जाती है, यानी वो वहाँ पर जाता है, वहाँ का अन्य सभी पुलिसकर्मी और उनके काम की निगरानी एक दरोगा के द्वारा की जाती है। यानी पुलिस स्टेशन में क्या हो रहा है, क्या काम हो रहा है, कितने केसेस आए, किनका क्या होना है, सभी जो है दरोगा की देखरेख में ही किया जाता है। आइए अब हम आपको एक एक करके बताते हैं कि दरोगा बनने के लिए आपके अंदर क्या क्या योग्यता होनी चाहिए और उसके बाद आपको बताएंगे कि आप दरोगा कैसे बन सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब सबसे पहले जान लेते हैं दरोगा बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, दरोगा बनने के लिए आपको 10वीं कक्षा को पास करना होता है, यानी 10वीं क्लास आप कैसे भी करके पास कर लें। उसके बाद 10वीं पास करने के बाद आप किसी भी सब्जेक्ट से 12वीं की क्लास को पास कर सकते हैं। यानी देखिए दोस्तों, आपने 12वीं जो है साइंस साइड, कॉमर्स या फिर आर्ट्स साइड किससे भी करा हो, है ना, बस आप 12th पास आउट होने चाहिए, यानी किसी भी विषय से आपने 12th पास आउट करा हो। 12वीं की परीक्षा को क्लियर करने के बाद आप इंडिया के किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से यानी किसी भी विश्वविद्यालय से किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कर सकते हैं। इसमें ये भी नहीं है कि आपको ग्रेजुएशन BA करनी है, BCom करनी है या फिर क्या करनी है, कोई भी मतलब डिमांड नहीं है, आपको सिर्फ ग्रेजुएशन कम्प्लीट कर लेनी है। दरोगा बनने के लिए आपको कम से कम ग्रेजुएट होना आवश्यक होता है। तो दोस्तों, ये तो होती है योग्यता। अब आइए अब हम जानते हैं कि दरोगा बनने के लिए आपके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, यानी क्या क्या पात्र होना चाहिए, यानी एक तरह से कहा जाए कि दरोगा बनने के लिए आपको कौन कौन सी शर्तें यानी कौन कौन सी कंडीशन आपको पूरी करनी होगी वो जान लेते हैं, उसके बाद हम अगले पॉइंट की बात करेंगे। तो आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं क्या क्या कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। तो देखिए दोस्तों, इंडिया में दरोगा की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपका भारतीय नागरिक होना ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप दरोगा की पोस्ट को प्राप्त करना चाहते हैं यानी इसको अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप जो है इंडियन सिटीजन होने चाहिए, यानी कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए। और यदि आप सामान्य वर्ग से हैं तो आपकी आयु न्यूनतम यानी मिनिमम कम से कम जो 21 वर्ष यानी 21 साल के आप होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 28 साल के आप होने चाहिए। और आरक्षण की श्रेणी में आने वालों की आयु सीमा में छूट दी गई है। जो लोग आरक्षण की श्रेणी में आते हैं उनको जो है आयु सीमा में कुछ छूट दी गई है, जो कि आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके पता चलेगा। और आरक्षण की श्रेणी के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को उम्र सीमा में 5 साल की छूट और OBC समुदाय के लोगों को उम्र सीमा में 3 साल की छूट दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको मतलब जैसा 28 साल होना चाहिए ज़्यादा, इसमें जो है आपको और 5 साल और 3 साल बढ़ा दिए जाते हैं। दरोगा की पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाली महिला आवेदकों का वज़न कम से कम 40 किलो होना चाहिए और पुरुष उम्मीदवार का वज़न कम से कम 50 किलो होना आवश्यक है। यानी देखिए दोस्तों, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपका जो वेट है यानी जो आपका वज़न है वो 40 किलो होना चाहिए, और अगर आप मेल कैंडिडेट हैं यानी आप पुरुष हैं तो आपका वज़न जो है 50 किलो होना चाहिए। और पुरुष उम्मीदवार की छाती का माप 80 सेंटीमीटर और फुलाने पर 83 सेंटीमीटर होना चाहिए। और पुरुष उम्मीदवार को
25 मिनट में 5 किलोमीटर की दौड़ भी कंप्लीट करनी पड़ती है, वही महिला उम्मीदवार को 15 मिनट में 2.5 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी पड़ती है। यानी रनिंग की बात करें तो मेल कैंडिडेट को 25 मिनट में 5 किलोमीटर की दौड़ की को कंप्लीट करना होता है, और वहीं फीमेल कैंडिडेट यानी महिला को 15 मिनट में 2.5 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होती है, और पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवार को शारीरिक और मानसिक रूप से फिट होना पड़ता है। यानी आप शारीरिक और मानसिक रूप से दोनों से फिट हो, यानी फिट एंड फाइन, यानी आपका स्वास्थ्य सही हो, कोई मेंटली प्रॉब्लम ना हो। साथ ही उनकी आँखों का स्वास्थ्य होना भी आवश्यक है, उन्हें सारी चीज़ें बिल्कुल साफ साफ दिखाई देनी चाहिए। पुरुष या महिला उम्मीदवार को कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, और महिला उम्मीदवारों जो ओबीसी जनरल या फिर एससी समुदाय से संबंध रखती हैं उनकी लंबाई 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और अनुसूचित जनजाति के पुरुष की लंबाई 107 सेंटीमीटर होना आवश्यक है। एसटी कैटेगरी से संबंध रखने वाली फीमेल कैंडिडेट की लंबाई 147 सेंटीमीटर होनी आवश्यक है। यानी ये तो थी कुछ क्वालिफिकेशन जो आपके अंदर होनी चाहिए अगर आप एक दरोगा यानी कि एसआई जो कि सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं। तो आइए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि और क्या क्या आपके अंदर योग्यता होनी चाहिए और आपको क्या क्या कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी, उसके बाद हम बात करेंगे कि आप दरोगा कैसे बनेंगे। तो आइए दोस्तों अब जान लेते हैं कि आपके पास क्या क्या दस्तावेज होने चाहिए, यानी दरोगा बनने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए तो आप दरोगा बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपके पास सबसे पहले ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप आरक्षण की श्रेणी में आते हैं तो आरक्षण का सर्टिफिकेट होना आवश्यक है, और स्पोर्ट्स कोटा में आते हैं तो स्पोर्ट्स कोटा का सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। आप जिस भी कोटे से आते हैं उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके बाद आपका आधार कार्ड, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, सिग्नेचर, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हाल ही में खींची हुई, यानी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो एक महीने के अंदर अंदर हो, खिंचवाई हुई हो, एक महीने से ज़्यादा पुरानी ना हो। इसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है आप किसी भी अपने पास के थाने से यानी अपने पास के पुलिस चौकी से बनवा सकते हैं। पुलिस आकर वेरीफाई करके आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे देती है। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपके पास होना आवश्यक है। ओके, आइए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि दरोगा बनने के लिए आप दरोगा की तैयारी कैसे कर सकते हैं, है ना, यानी आपको दरोगा की तैयारी कैसे करनी है, और इसके बाद हम जानेंगे कि आप दरोगा कैसे बन सकते हैं, आपको दरोगा बनने के लिए किन किन स्टेप को फॉलो करना होगा, यानी पहले कौन सी क्लास पास करनी होगी, उसके बाद क्या करना होगा, कौन से पेपर देने होंगे, फिर आपकी पोस्टिंग कैसे होती है, कैसे आप दरोगा की पोस्ट पर जाते हैं, पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आप दरोगा की तैयारी कैसे करें। दरोगा भर्ती की तैयारी करने के लिए आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करने से पहले इसकी तैयारी करना चालू कर देना है। जी हाँ दोस्तों, जब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला हो उससे पहले ही अब अपनी दरोगा बनने के लिए तैयारी कंप्लीट कर दें। और दरोगा भर्ती के लिए मार्केट में विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन बैंक मौजूद होते हैं जिनका इस्तेमाल आप दरोगा की तैयारी करने के लिए कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, दरोगा बनने के लिए जो उसमें क्वेश्चन आते हैं वो आप जो है मार्केट से बुक परचेस कर सकते हैं, और यूट्यूब पर ऐसे कई एजुकेशनल चैनल है जहां पर अब दरोगा भर्ती की तैयारी करवाई जाती है। आप उन चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उन यूट्यूब चैनल की सहायता से दरोगा भर्ती की तैयारी कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, कई ऐसे यूट्यूब चैनल होते हैं जो आपको मतलब दरोगा कैसे बना जाता है ये बताते हैं, साथ में क्वेश्चन आपके कंप्लीट करवाते हैं, आपको स्टडी करवाते हैं, तो आप ऐसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दरोगा की भर्ती के लिए आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट को एकदम तैयार रखना है, यानी आपके डॉक्यूमेंट में कोई गड़बड़ी ना हो, नहीं तो आपको दिक्कत आ सकती है। आपको रोज़ाना अपने जो भी पढ़ा है उसका रिवीजन करना चाहिए। आपने डेली जो भी पढ़े हैं उसका टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहें ताकि आप भूल ना जाएं। आपको टाइम टेबल के हिसाब से दरोगा की भर्ती की तैयारी करनी चाहिए। आपको टाइम टेबल बनाना होगा अपनी स्टडी करने के लिए, और दरोगा के सिलेबस को अच्छी तरह से समझ कर उसकी स्टडी करनी चाहिए। यानी आपको उसका सिलेबस समझना है पहले, दरोगा बनने का सिलेबस क्या है उसके हिसाब से आपको स्टडी
करनी है, और ग्रुप स्टडी अगर आप करते हैं तो और भी अच्छा रहेगा। और पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रहे, इसके लिए आपको सुबह के समय पढ़ाई करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जो भी हम मॉर्निंग में स्टडी करते हैं ना, वो हमें लंबे समय तक याद रहता है। और जो भी आप स्टडी करें, उसे हफ्ते में एक बार रिवाइज ज़रूर कर लें, ताकि आप भूल ना जाए। अगर आप रिवाइज करते रहेंगे समय समय पर, तो आपको सब कुछ याद रहेगा। हो सके तो दरोगा भर्ती की तैयारी करते समय आपको अपने मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ कर देना चाहिए, ताकि आपका माइंड डिस्टर्ब ना हो, यानी आपका ध्यान इधर उधर ना जाए और आपका फोकस जो है आपकी स्टडी पर ही रहे। आप चाहे तो कोचिंग इंस्टीट्यूट का सहारा भी दरोगा भर्ती की तैयारी करने के लिए ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे ऐसे कोचिंग सेंटर आज के समय में खुल चुके हैं, जो आपको दरोगा बनने की तैयारी करवाते हैं, यानी वहाँ पर सभी पोस्ट की तैयारी करवाई जाती है। आपको जिस पोस्ट पर भी जाना है, आप वहाँ से कोचिंग से उस चीज़ की समझ ले सकते हैं, उसके क्वेश्चन आंसर की तैयारी कर सकते हैं। अब आइए, अब हम लास्ट में जान लेते हैं कि आपको दरोगा कैसे बनना है, कैसे आपको क्या करना है। तो आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि आपको दरोगा कैसे बनना है, दरोगा बनने के लिए आपको कैसे क्या करना है, यानी शुरू से लेकर लास्ट तक की पूरी जानकारी अब मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि मैंने आपको सभी दावत आपके क्लियर कर दिए होंगे कि दरोगा बनने के लिए आपको क्या मतलब कितनी हाई चाहिए, कितनी क्या चाहिए, कितनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या क्या आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, क्या क्या आपके दस्तावेज़ कम्प्लीट होने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि दरोगा कैसे बना जाता है, कैसे आप कर सकते हैं, यानी ए टू जेड स्टेप, यानी आपको क्या क्या करना है दरोगा बनने के लिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको इस पे ऐसी ही एजुकेशनल वीडियो मिलती रहती हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको दरोगा बनने के लिए स्नातक उत्तीर्ण करें। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपको ग्रेजुएशन पास करनी होगी। दरोगा की पोस्ट को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको हमारे इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन को क्लियर कर लें। जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आप सबसे पहले ग्रेजुएशन पूरा कर लें। इसके बाद आपको क्या करना होता है, दूसरे नंबर पर जब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है, तो दरोगा के पद के लिए आप अप्लाई करें। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं आप, उसके बाद आपको लगातार इस बात पर नज़र रख बनाकर रखनी है कि दरोगा की पोस्ट के लिए वैकेंसी कब निकल रही है। दरोगा की पोस्ट की वैकेंसी जब निकले, तब आपको उसमें ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन अप्लाई जो है, आप किसी साइबर कैफ़े से या फिर आपके जो नज़दीकी साइबर कैफ़े हैं, वहाँ पर जाकर समय समय पर पूछते रहें कि भाई दरोगा वैकेंसी आई है क्या या नहीं आई है, आप वहां से जानकारी लेते रहें। इसके बाद वैकेंसी जब निकल जाए, उसको आप अप्लाई करवा दें। जब आप अप्लाई करवा देते हैं, तो उसमें जो है कुछ समय के बाद आपका एडमिट कार्ड आ जाता है, जिसपे दिन लिखा होता है कि इस डेट को आपका एग्जाम होगा और यहाँ पर होगा। उस दिन आप वहाँ पर चले जाएं, उस डेट को चले जाएं, फिर आप लिखित परीक्षा दें, जिसको कि रिटर्न एग्ज़ाम बोलते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको एक निश्चित दिन दरोगा के लिए आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा, और इस परीक्षा में अच्छे परफॉर्मेंस देकर इस परीक्षा को पास करना होगा। जी हाँ दोस्तों, जब आप लिखित परीक्षा देने जाएंगे, तो आपको लिखित परीक्षा में अच्छे नंबर लाने होंगे और पेपर को अच्छे से करना होगा। जब आप लिखित परीक्षा पास कर लेते हैं, यानी जब आपका लिखित परीक्षा क्लियर हो जाता है, उसके बाद आपको फिजिकल टेस्ट में शामिल हों। उसके बाद आप फिजिकल टेस्ट में शामिल होंगे। जब आप दरोगा की लिखित परीक्षा को पास कर लेंगे, तो फिर उसके बाद आपको फिजिकल टेस्ट के लिए एक निश्चित दिन आपके घर के आसपास या फिर 150 किलोमीटर की रेंज में किसी भी जगह पर बुलाया जाएगा। आपको वहां पर जाना है। फिजिकल टेस्ट में आपको सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट की अच्छे से चेकिंग की जाती है, यानी जो मैंने आपको बताया कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट अवेलेबल होने चाहिए, और आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट हो उसमें आप नाम वगैरह सब चेक करके रखिएगा, किसी में नाम वाम गलत नहीं होने चाहिए, सब मैचिंग के होने चाहिए। और उसके बाद आपका जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद आता है पाँचवें नंबर पर, निर्धारित समय में दौड़ पूरी करें। जी हाँ दोस्तों, डॉक्यूमेंट की चेकिंग होने के बाद आपको 5 किलोमीटर की दौड़ को 25 मिनट में
25 मिनट के अंदर पूरा करना होता है। दौड़ को तय समय के अंदर पूरा करने के बाद आपका वजन, आपका सीना और आपकी ऊंचाई की जांच की जाती है, जो कि मैंने आपका सीना या फिर ऊंचाई सभी मैंने इसमें बता दिया कि आइए आपकी इतनी होनी चाहिए। उसके बाद जब आप ये सब क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद आप मेरिट लिस्ट की प्रतीक्षा करें। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद फिजिकल फिटनेस और दरोगा की लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर एक मेरिट लिस्ट तैयार करी जाती है। मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद आपको एक निश्चित दिन मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। ओके, इसके बाद आता है ट्रेनिंग पर जाएं। मेडिकल टेस्ट को सफलतापूर्वक क्लियर करने के बाद आपको ट्रेनिंग पर भेज दिया जाता है। ये ट्रेनिंग आमतौर पर 6 महीने से लेकर 1 साल तक चलती है। ट्रेनिंग को भी सफलतापूर्वक कंप्लीट करने के बाद आपको इंडियन पुलिस डिपार्टमेंट में दरोगा की पोस्ट प्रदान कर दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, तो देखिए आपको इसमें पूरी जानकारी मिल गई होगी कि आप दरोगा कैसे बनेंगे, और आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।